हेलो फ्रेंड्स, हम हैं डॉक्टर ट्राइकॉर और आज हम बिनाटॉन का DT580W मॉडेम प्लस राउटर दोनों है ये, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले बॉक्स के ऊपर बाहर क्या है। यहाँ पर हमारे पास MRP दिए हुए 1995 और बिनाटॉन कंपनी का है। ये हमारा सैम्पल यूनिट है तो इसलिए इसके बॉक्स के बाहर कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं करी गई है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या हमारे पास अंदर क्या क्या है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बिनाटॉन की हमारे पास यूजर मैनुअल दी, कैसे उसको चलाना है, कैसे सब कुछ। तो इसका इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे आप अपना अगर एडमिन खोलते हैं तो वहाँ पे जिसका यूज़र नेम होता है एडमिन होता है और पासवर्ड होता है वो पासवर्ड ही होता है। मतलब पासवर्ड इज PASWORD। तो पासवर्ड कैप्स लॉक ऑफ रखनी है और पासवर्ड वही रहेगा। मतलब यूज़र नेम एडमिन रहेगा, पासवर्ड पासवर्ड ही रहेगा, मतलब पासवर्ड का जो नाम रहेगा पासवर्ड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपको दिखाते हैं और क्या इसके अंदर है हमारे पास। यहाँ पर स्टार्टिंग ऊपर ही हमारे पास यूनिट है बिनाटॉन का। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू के अंदर इसकी कलरिंग करी गई है और ये सिंगल एंटीना है। ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, अच्छे चला सकते हैं। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं पूरा बिनाटॉन की ब्रांडिंग है, पावर, ADSL, इंटरनेट, वाईफाई। और इसमें जैसे आप देख सकते चार है यहाँ पर, तो चार लैंड पोर्ट्स, मतलब 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, चार डिवाइसेस जैसे प्रिंटर वगैरह कुछ भी। और क्योंकि मॉडेम भी है तो इसके अंदर यहाँ पे टेलीफोन की लाइन भी डल जाती है। अच्छा, यहाँ पे पावर बटन हो गया, ये पावर के लिए सॉकेट हो गया, पावर बटन हो गया और रीसेट के लिए हो गया। तो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है इसके अंदर WPS बटन नहीं है जैसे आजकल मोस्टली मॉडेम्स के अंदर आ रहा है। तो वो थोड़े अच्छा टेक्नोलॉजी होती है, उसमें क्या होता है कनेक्ट करने के लिए बटन दबाइए और आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर उसकी और इन्फॉर्मेशन दी गई है थोड़ी सी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड पासवर्ड जैसे आपको मैं बता रहा था। यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। काफ़ी सिंपल सोबर सा सिंपल लुकिंग है, कुछ खास मतलब इसमें नहीं है। और देखते हैं इसमें हमें और क्या मिलता है साथ में यहाँ पर बॉक्स के अंदर। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर RJ45 केबल है, एक ये CAT5 है, इसमें सिंपल RJ45 जैसे जो आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं इसके थ्रू। और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक केबल टेलीफोन की तार, जैसे जहाँ पे ये लगेगा यहाँ पर टेलीफोन की तार लगेगी, जैसे सेम कलर की दी गई है, देखिए आप ये लगेगी यहाँ पर और ये यहाँ पर लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देख सकते हैं आप अडैप्टर है इसका, ये जो पावर केबल है ये लगती है यहाँ पर, पावर की केबल यहाँ पे लगेगी, ये पावर की केबल लगेगी। और एक और लाइन दे रखी है ताकि अपने टेलीफोन भी आप कनेक्ट कर सकें। टेलीफोन से जो तार आ रही है ये देखिए, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, जो टेलीफोन से तार आ रही है एक यहाँ पे जाएगी ये और एक ये इस तरीके से आपके कंप्यूटर में चली जाएगी और एक ये यहाँ लग जाएगी, सॉरी कंप्यूटर में नहीं, इसमें चली जाएगी। तो अगर हम इसको पैसे पहले तार को जो टेलीफोन की मेन तार आ रही है उसको यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद इसको स्प्लिटर कहते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद दो तारें निकालेंगे मॉडेम के लिए अलग से, इसके अंदर से एक फ़ोन के अलग से, तो उसमें क्या होएगा हमारे पास फ्रेंड्स, हमारा जब भी फ़ोन आएगा तो हमारा मॉडेम जो मतलब वाईफाई है इंटरनेट बंद नहीं होएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली तार को मॉडेम में लगा देंगे, समझ लो लाइन आ रही है डायरेक्टली लगा देंगे और फ़ोन अलग किसी कमरे में है हमारा समझ लीजिए और मॉडेम किसी अलग में है, तो हमने एक कमरे में जो मेन सॉकेट है उससे मॉडेम की तार जोड़ दी लाइन और एक के अंदर टेलीफोन जोड़ दिया, तो उससे क्या रहेगा हमारा वाईफाई बंद हो जाएगा जब भी हम फ़ोन उठाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है, मेन तार आएगी आपकी यहाँ पे और उससे दो तारें निकलेंगी, एक फ़ोन की तरफ जाएगी एक मॉडेम की तरफ जाएगी। ये तरीका है फ्रेंड्स, बाकी इसके अंदर और तो कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हमने कनेक्ट कर दिया है मॉडेम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार लाइट्स जल रही हैं इस वक्त, ये है पावर लाइट और ये है ADSL, ये दोनों जलती रहनी चाहिए हमेशा। ये है इंटरनेट की, ये धीरे धीरे ब्लिंक होगी, ऐसा इस तरीके से ब्लिंक होगी। इसके अंदर क्या मतलब होता है इसका कि इंटरनेट चल रहा है। और साथ वाली लाइट है वाईफाई लाइट, इसका मतलब होता है कि वाईफाई इज़ गोइंग ऑन। और लास्ट की जैसे आप देख सकते 4, 1, 2, 3, 4 जो दिख रहा है यहाँ पर लाइट्स जो जल नहीं रही हैं, ये है अगर आपने कंप्यूटर अटैच किया हुआ है, क्योंकि हमने कंप्यूटर अटैच नहीं किया हुआ है तो अभी ये लाइट्स नहीं जल रही हैं। जब भी आप कंप्यूटर अटैच कर देंगे सिंपल वायर से जो आपको दिखाई थी इथरनेट केबल RJ45, तो वो सिंपल उससे चलने लग जाएगी फिर लाइट पे, जो जैसे चार पोर्ट दे रखे हैं जिस पोर्ट में लगाएंगे उसके अंदर चल जाएगी। कोई भी पोर्ट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट में लगानी है, पहले सेकंड में फिर लगानी है, चाहे जो मर्जी पोर्ट में लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्विक अनबॉक्सिंग, हमने आपको चलता हुआ भी दिखाया है ये और हमने इसको अनबॉक्स करके दिखाया क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो कोई भी फ्रेंड्स आपको इसके डाउट हो कोई इसके बारे में, बाकी अपना जो मॉडेम प्लस राउटर है बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको अलग से कोई राउटर लेने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है अपने आप के अंदर। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी आपके सुझाव हो, अपना कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। और फ्रेंड्स हैव अ नाइस टाइम।